हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू ईस्पोर्ट्स इन 5। इस शो में हम नजर आने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। द वर्ल्ड ऑफ बैटल ने अपना ब्रॉल स्टार रोस्टर अनाउंस किया है जिसमें शामिल है पॉइजन, डेविल और मास्टर। द वर्ल्ड ऑफ बैटल ने माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर शिवांग को साइन किया है। शिवांग के पास यूट्यूब पर 1.48 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वैलोरेंट चैलेंजर्स लीग साउथ एशिया फुल स्विंग में चल रही है, तो आइए एक नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट के वीक 2 पर। मेडल ईस्पोर्ट्स ने एस्टेड आर्मी को 2-1 की स्कोरलाइन से हराया। एमएलटी ईस्पोर्ट्स ने गॉडलाइक को 2-0 की स्कोरलाइन से हराया। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स ने लीडर ईस्पोर्ट्स को 2-0 की स्कोरलाइन से हराया। गॉजरेन ने गॉडलाइक को 2-0 से हराया। ओरांगुटान जीते एस्टेड आर्मी के अगेंस्ट विद अ स्कोरलाइन ऑफ 2-1 और वेलोसिटी गेमिंग ने टू रिपर्स को मात दी विद अ स्कोरलाइन ऑफ 2-0। वैलोरेंट चैलेंजर्स लीग साउथ एशिया में अनफोर्सीन इमिग्रेशन इश्यूज की वजह से गॉडलाइक के 2 इंटरनेशनल एथलीट्स जे और एस्ट्रो मार्च 23 को एमएलटी ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट उनकी पहली मैच नहीं खेल पाए। उस एक मैच के लिए उनकी जगह रेवेरिटी ईस्पोर्ट्स के पैराडॉक्स और ब्लैक हॉक ने ली। मेडल ईस्पोर्ट्स ने रिवील किया कि उनके 2 एथलीट्स अनएंटिसिपेटेड इमिग्रेशन इश्यूज की वजह से 22 मार्च को एस्टर आर्मी के अगेंस्ट मैच नहीं खेल पाए। उनके रोस्टर के कोच हैकर ने उनमें से एक की जगह ली। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने वीसीडी पैसिफिक में अपनी पहली मैच खेली साउथ कोरिया की टी1 के अगेंस्ट। पहले मैच में टी1 ने ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को पर्ल में 13-8 की स्कोरलाइन से हरा के लीड ली। दूसरे मैच में हेवन में जीई ने एक डोमिनेटिंग कमबैक किया और 13-4 की स्कोरलाइन से मैच को जीता। टी1 ने आखिरी मैच लोटस को 13-7 की स्कोरलाइन से जीतकर मैच जीत ली। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की अगली मैच होगी अप्रैल 3 मंडे 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से DRX के अगेंस्ट। इसके अलावा पहले हफ्ते में DRX ने जेटा डिवीजन को 2-0 की स्कोरलाइन से हराया। पेपर एक्स ने डेटोनेशन फोकस मीट को 2-0 की स्कोरलाइन से हराया और टीम सीक्रेट ने टैलेंट ईस्पोर्ट्स को 2-1 की स्कोरलाइन से हराया और साथ ही साथ जेनजी ने RRQ को 2-0 की स्कोरलाइन से हराया। टीम टॉप जी जिसमें शामिल है स्वे, जाया, स्टॉर्मी, कोको, क्रैकशॉट और एलेक्सा ने 15th वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हो रही वुमेन CS:GO टूर्नामेंट के ग्लोबल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस ऑल फीमेल टीम ने टीम पर्पल को इंडियन क्वालिफायर्स के फाइनल्स में हराया। वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप का 15th एडिशन खेला जाएगा August 24 से September 4, 2023 को लासी रोमेनिया में। गुड लक टॉप जी। ये बात ऑफिशियली रिवील हो चुकी है कि काउंटर स्ट्राइक 2 समर ऑफ 2023 में लॉन्च होगा और ये गेम काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव यानी कि CS:GO की फ्री अपग्रेड होगी। अभी के लिए इस गेम का एक्सेस लिमिटेड प्लेयर्स को दिया गया है और इस गेम के कुछ फीचर्स इवैल्यूएट होंगे गेम के ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले। अरे मेरे को भी CS:GO का एक्सेस मिला था, पता नहीं आज चले गया। अच्छा अभी मुझे समझ आया वो न्यूज़ किस बारे में थी। हैं, कौन सा न्यूज़ बे? अबे ऐसा, आज से CS में फ्रॉस्टी स्पोर्ट्स का रोस्टर भी नहीं खेलेगा बस। अबे जावे, आगे बढ़ते हैं। इस बात का खुलासा हो गया है कि पेरिस मेजर CS:GO का फाइनल मेजर होगा और अगला मेजर मार्च 2024 में होने वाला है और इस मेजर में काउंटर स्ट्राइक 2 पहली बार खेली जाएगी। इस न्यूज के आते हुए ये भी पता चला कि CS:GO के फॉल मेजर को कैंसिल किया गया है। डॉल्बी लैबोरेटरीज और पबजी मोबाइल ने टीम अप कर लिया है और इस टीम अप से पबजी मोबाइल के अरीना मोड में प्लेयर्स को मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का इमर्सिव साउंड। इस कोलैबोरेशन के फीचर्स से जैसे कि लाइफलाइक साउंड की वजह से गेम का रियलिज्म बढ़ेगा और गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांस होगा। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच ने एक ब्लॉग पोस्ट में अनाउंस किया कि उन्होंने 400 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है एंड ट्विच ने कहा कि इन ले ऑफ्स के प्राइमरी रीजंस हैं करंट मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और यूजर और रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस मैच ना होना। जाने माने स्ट्रीमर और कंटेंट क्रिएटर शीमा लेजेंड ने अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शीमा फाउंडेशन लॉन्च कर दी है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जरूरतमंदों को हेल्थ केयर, फूड और अन्य एसेंशियल सर्विसेज पाने में मदद करेगी। आप इस ऑर्गेनाइजेशन को शीमा लेजेंड की लाइव स्ट्रीम में दिए गए क्रेडेंशियल्स पर डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। CS:GO की चहेती वेपन स्किन AK-47 की वाइल्ड लोटस 1,60,000 यानी कि 1,32,00,000 रुपए के आसपास के लिए ऑनलाइन बिकी है एंड ये इस गेम की हिस्ट्री में बिगेस्ट पब्लिक सेल्स में से एक है। जापानीज गेमिंग जायंट बैंडाई नामको ने इंडियन गेम डेवलपमेंट स्टूडियो सुपर गेमिंग में एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है एंड ये इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2022 में अनाउंस हुए बैंडाई नामको एंटरटेनमेंट 021 फंड द्वारा हुआ है। पेंटा चैलेंज न्यूसेट मोबाइल के पहले क्वालिफायर की मैचेस शुरू हो गए हैं एंड इस टूर्नामेंट के क्वालिफायर 1 के सेमीफाइनल्स में 32 टीम्स पहुंच चुकी हैं जिनमें से 16 टीम्स फाइनल्स तक पहुंचेंगी एंड फाइनल्स में से 4 टीम क्वालिफाई करके फिनाले के लिए जाएंगी। क्वालिफायर 1 के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेले जाएंगे 31 मार्च से 2 अप्रैल तक शाम को 6 बजे से 11 बजे तक। इन मैचेस को आप पेंटा स्पोर्ट्स के यूट्यूब, लोको और ग्लांस चैनल्स पे लाइव देख सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन। और इसी के साथ ईस्पोर्ट्स इन 5 का ये एपिसोड होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आया है देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो कर लीजिए पेंटा ईस्पोर्ट्स को सारे सोशल मीडिया पे ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और साथ साथ हमें लोको और ट्विच पे फॉलो करना ना भूलें। हमारे से अगर आप बात करना चाहते हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो और हमारे प्लेटफॉर्म pentaesports.com को जरूर विजिट करो। अभी मैं जा रहा हूं, मिलता हूं अगले हफ्ते। टिल देन गुड बाय।